हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिजास्ट्रा एल्गोरिथम देखा था, जिसमें हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किया था फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। तो दूसरा इसी का एक दूसरा एल्गोरिथम है, उसमें भी हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेंगे सिंगल सोर्स से, लेकिन उसमें इसमें डिफरेंस क्या होगा? उसमें नेगेटिव वेट नहीं था एजिस का, इसमें नेगेटिव वेट है एजिस का। तो जब भी हमें एक ग्राफ में नेगेटिव वेट दिया जाएगा, अगर एज का किसी भी एक एज का भी नेगेटिव वेट होगा, तो हम डिजगैस्ट्रा एल्गोरिथम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम को हम यूज़ करेंगे अगर हमारे पास नेगेटिव वेट है। तो समवट हाउ ये सेम ही है उसका, डिजगैस्ट्रा एल्गोरिथम के जैसा ही है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, वो हम देख लेते क्या है। वर्किंग इसकी पूरी ऑलमोस्ट सेम है, तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या करते हैं। तो इसमें भी फर्स्टली अगर हमें ये ग्राफ दिया गया है, सब कुछ सेम रहेगा। इसमें भी हमें एक ग्राफ दिया जाएगा, वेट दिया जाएगा सभी एजेस का, और सोर्स दिया जाएगा जहाँ से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सभी एजेस का निकालना है। तो हमने ये मान लिया है कि ये वाला हमारा सोर्स है जिससे हम और वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम इनिशियलाइज करेंगे ग्राफ को विद सोर्स, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन वही टाइप का होगा हमारा। हम क्या करते थे इनिशियलाइजेशन में, कि जो भी जितने भी सारे वर्टिसेस होते थे उनका डिस्टेंस हम इनफाइनाइट रख देते थे, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि सोर्स से उनका डिस्टेंस क्या है। तो हम यहाँ पर सब में सॉरी मैं पेंसिल का यूज़ करती हूँ, रब करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइजेशन में हम सबका डिस्टेंस इनफाइनाइट रख देते हैं, क्योंकि अभी हमें कोई डिस्टेंस नहीं पता है। यहाँ देख सकते हैं आप, इनिशियलाइजेशन है। यहाँ पे हमने हर एक वर्टेक्स के लिए, जितने भी वर्टेक्स है, एक लूप चलाएंगे हम पूरे वर्टिसेस के लिए। उसमें हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ वी मीन्स हर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस हम निल रख देंगे, वो सॉरी इनफाइनाइट रख देंगे, जो कि हमने रख दिया। और पेरेंट अभी हमारे पास कोई भी नहीं है वर्टिसेस का, तो ये कॉलम हमारा खाली रहेगा। और जो सोर्स का डिस्टेंस है वो जीरो रहेगा, क्योंकि सोर्स से सोर्स तक जाने में डिस्टेंस हमारा जीरो लगेगा, तो इसको हम जीरो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, फर्स्ट काम हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे वन से लेकर वी माइनस वन तक, जितनी भी हमारे पास वर्टिसेस है उससे एक कम। तो वन से लेकर हमारा कहाँ तक ये लूप चल जाएगा, यहाँ पे वर्टिसेस है 1 2 3 4 5 6, तो 5 तक हमारा ये लूप चलेगा, 1 to 5 तक हमारा लूप चलेगा। इस लूप में हम क्या करेंगे, हर एक एज का, जो कि एज मान लेते हैं हम यू से वी तक जा रही है, हर एक एज का जो कि एज सेट से बिलोंग करती है, इस ग्राफ के एज सेट से बिलोंग करती है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे विद यू वी एंड डब्लू। डब्लू इन दोनों के बीच का वेट है, जो कि ये वाले वेट है, अगर ये यू है और ये वी है तो ये हमारा उसका वेट है, ठीक है। तो इसके साथ हम कंप्यूट फंक्शन चलाएंगे, हर एक एज के लिए चलाएंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, हर एक एज के लिए। तो कंप्यूट हम देख लेते हैं कहां पर है हमारा, ये यहां पर कंप्यूट है। वही हम काम करेंगे जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था, कि हमारा जो डिस्टेंस है वी का प्लस सॉरी यू का, मींस ये जो हमने चुना है यू का, उसका प्लस वेट ऑफ यू एंड वी, ये वाला वेट, ये प्लस ये अगर छोटा आता है इसके वेट से, ठीक है, वी के वेट से, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर देंगे और इस वी का हम पेरेंट क्या बना देंगे, ये यू, ठीक है। एक बारी मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये अगर यू है मान लेते हैं हम, और ये हमारा वी है, हर एक एच के लिए है, ये हर एक एच के लिए हमने माना है, और ये इसका वेट है 6 मान लेते हैं, इसका खुद का वेट यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 है, और इसका वेट हम मान लेते हैं 8, ठीक है। तो U का वेट प्लस इस H का वेट कितना हो गया 7, और इसको कंपेयर करेंगे हम V के वेट से जो कि है 8, तो
तो 7 और 8 को जब हम कंपेयर करते हैं, हमारा ये वाला छोटा निकलता है, ये प्लस ये वाला जो हमने निकाला है ये छोटा है इसके वेट से, वी के वेट से, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे वी के वेट को इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम हटाकर यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो यही काम हमारा इस कंप्यूट में हो रहा है। और इसका वी का पेरेंट कौन हो जाएगा, यू। तो पेरेंट ऑफ वी क्या हो जाएगा, यू, ठीक है, क्योंकि ये यू के जरिए से यहाँ पर आ रहे हैं हम। तो ये हो गया हमारा कंप्यूट। तो हर एक एच के लिए हम यही काम करेंगे, एक एक हमें वर्टेक्स लेना है और उससे जुड़ी हुई जितनी भी एजेस हैं उनकी सबके लिए हमें यही काम करना है। इसके बाद वाला पोर्शन हम बाद में देखते हैं, फिलहाल हम यही काम करते हैं जो हमने अभी करा है। तो पहले हमारे पास क्या क्या डिस्टेंस है वो लिख देते हैं हम। इसका है 0, इन सबका है इनफाइनाइट। अभी पेरेंट हमें कोई नहीं पता है, तो फर्स्टली हम एस को ले लेते हैं, वन बाय वन ले लेते हैं। इसमें छोटा नहीं लेना है, हम किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि हमें सारी एजेस का ये वेट फाइंड करना है। सो फर्स्टली हम एस को ले लेते हैं, इस पे हम टिक कर देते हैं एक। अच्छा, ये कितनी बार चलेगी, ये हमारी 5 टाइम्स चलेगा। ये वाला जो हम एक एक बारी काम करेंगे वो हमें 5 बार करना पड़ेगा। तो फर्स्टली हमने एस को ले लिया, इसके साथ जो लगी हुई एजेस हैं वो देखते हैं हम। तो इसके साथ ए है और सी है, दोनों के लिए हम फाइंड करते हैं 5 प्लस 0, तो 5 आता है जो कि छोटा है इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे हम इसको रब करके 5 कर देते हैं, हालांकि मैंने ये पेन से कर दिया। तो यहाँ पे 5 आ गया और इसका पेरेंट क्या हो गया, एस। तो यही हम करते हैं यहाँ पर ए के लिए, ये हम 5 कर देते हैं यहाँ पर और पेरेंट इसका एस हो जाता है। सेम इसके लिए करते हैं 0 माइनस 2, तो -2 आंसर आ गया और ये है इन्फिनिटी जो कि -2 छोटा है। तो यहाँ पे हम -2 लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं -2, और इसका पेरेंट क्या हो गया, एस। अब ये वाला हो गया एस, एस हो गया हमारा। अब हम ए ले लेते हैं, ए को करते हैं इसी तरीके से। तो ए से देखते हैं कौन कौन सी एज जा रही है, ए की एज जा रही है तो 5 प्लस 1 6 आता है जो कि छोटा है इन्फिनिटी से, तो इसको अपडेट कर देते हैं। ये आ गया हमारा 6 और यहाँ भी अपडेट कर देते हैं बी को 6, और इसका पेरेंट हो गया ए। अब हम बी को ले लेते हैं, बी से कौन सी एज जा रही है, एक ये जा रही है, ये जा रही है और ये जा रही है। तो फर्स्टली हम ये वाली एज देख लेते हैं, इसका कितना आएगा, 6 प्लस 2 8, तो 8 हमारा बड़ा है -2 से, इसका खुद का -2 है पहले का, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। फिर ये वाला देखते हैं 6 प्लस 7 13, 13 हमारा छोटा है इन्फिनिटी से, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं। ये 13 आ गया, डी यहाँ पे भी अपडेट कर देते हैं 13, और ये हमारा पेरेंट हो गया इसका बी। अब ये वाली एज देखते हैं 6 प्लस 3 9, जो कि छोटा है इन्फिनिटी से, दोबारा अपडेट इसको कर देते हैं 9। ये ई ई हमारा यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं और इसका पेरेंट भी हो गया बी, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन, सॉरी, अब हम सी सी को देखते हैं, सी के से साथ लगी हुई कौन कौन सी एजेस हैं, ए एंड डी। तो ए के लिए हम -2 प्लस 2 करेंगे तो 0 आएगा, 0 छोटा है 5 से, तो हम 5 को हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 0। इसको भी अपडेट कर देते हैं यहाँ पर 0, एंड इसका पेरेंट अब सी हो गया क्योंकि हम सी के जरिए से जा रहे हैं। ऑब्वियस है, अगर हम एस से ए की से जाते हैं, ए पर जाते हैं, तो हमारा डिस्टेंस 5 आता है, और अगर हम यहाँ से सी से होकर के ए की तरफ जाते हैं तो हमारा डिस्टेंस 0 आ रहा है,
माइनस टू प्लस टू जीरो, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट हो गया। अब ये वाला एच देखते हैं हम, माइनस टू प्लस थ्री, तो हमारा वन आंसर आता है जो कि छोटा है 13 से। हम अपडेट कर देते हैं इसको भी, तो ये हमारा वन हो गया, डी को हम वन कर देते हैं और पेरेंट इसका सी हो गया। इसी तरीके से डी का देखते हैं हम, डी के लिए एक ही एज है 10 प्लस 1 11, जो कि बड़ा है 9 से, तो इसको छोड़ देते हैं हम। ई में ई के साथ कोई सी भी एज नहीं है, तो ये भी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट इटरेशन हमारी हो गई। अब हम दोबारा से करेंगे, क्योंकि हमारा हमें 1 से 5 तक करना है, 5 बार करना है। हम एक दो बार ये और टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं होगा तो हम इसको 5 तक छोड़ देंगे। मीन्स जब हम कंप्यूटर में ये प्रोग्राम लिखेंगे तो वो तो कंप्लीटली 5 तक ही चलाएगा, लेकिन हम ये लेंदी है थोड़ा सा, तो हम एक दो बारी और टेस्ट कर लेते हैं। तो दोबारा से हम टेस्ट करते हैं एस से। एस हमने यहाँ पे सेकेंड टिक लगा देती हूँ, मीन्स दूसरी बार हम टेस्ट कर रहे हैं। एस से ये और ये लगा हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं, ये 0 है, 0 प्लस 5 5 आता है और इसका अपना है 0, तो हम अपडेट नहीं करेंगे। 0 माइनस 2, तो माइनस टू आता है, तो माइनस टू ही है पहले से, तो इसको भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड हम देखते हैं ए की तरफ, ए ए से है बी, तो 0 प्लस 1 1 आता है और इसका अपना 6 है, तो हम अपडेट कर सकते हैं क्योंकि 1 छोटा है 6 से, ये 1 आ गया, यहाँ पे भी अपडेट कर देते हैं। ये हमारा बी 1 हो गया, पेरेंट इसका अभी भी ए ही है, तो ए कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम बी देखते हैं, बी से कौन कौन सी 3 एजेस है, तो ये वाला चेक करते हैं हम, 1 प्लस 2 3, जो कि बड़ा है माइनस टू से, तो अपडेट नहीं करेंगे। 1 प्लस 7 8, ये भी बड़ा है 1 से, तो अपडेट नहीं करेंगे। 3 प्लस 1 4, ये छोटा है 9 से, तो ये हम अपडेट कर सकते हैं। इसको हमने 4 कर दिया, तो ई के लिए हम 4 कर देते हैं, अभी भी इसका पेरेंट बी ही है। ये चेंजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वेट है। यही चीज अगर हम डिसगैस्ट्रास एल्गोरिथम वाले में करते, क्योंकि उसमें नेगेटिव वेट नहीं होता है, तो बार बार करने पे कोई चेंज नहीं आता। इसमें चेंज इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वेट है। तो ये हो गया हमारा। अब हम सी को एक बार और देख लेते हैं, सी के साथ हमारा ये है और ये वाला है, तो चेक करते हैं, -2 प्लस 3 वही 1 आ रहा है, छोड़ देते हैं इसको। इसके साथ ये पहले भी 2 था, अभी भी 2 है, तो कोई चेंज आएगा नहीं। -2 प्लस 2 0, तो 0 ही है पहले से। तो डी को देख लेते हैं अब हम, डी के साथ एक ही एज है 10 प्लस 1 11, जो कि बड़ा है 4 से, तो हम अपडेट नहीं करेंगे। और ई के साथ कोई भी एज नहीं है, अभी तक हमारा चेंज आया है। तो अब हम आगे एक बारी और देख लेते हैं, दोबारा इसको देखेंगे। 0 प्लस 5 5, जो कि बड़ा है 0 से, छोड़ देते हैं। 0 माइनस 2 माइनस 2 सेम है, छोड़ देते हैं इसको भी। अब ए के देखते हैं, ए के साथ ये है 0 प्लस 1 1 ही है और इसका अपडेशन भी 1 ही हुआ है, तो ये भी कोई चेंज नहीं आएगा इसमें भी। अब बी को देख लेते हैं अब हम, बी के साथ ये तीनों है, आई थिंक कोई चेंज नहीं आएगा, पहले से ही भी वही सब था। 1 प्लस 2 3 बड़ा है इससे, 1 प्लस 7 8 बड़ा है इससे, 1 प्लस 3 4, जो हम अपडेट कर चुके हैं, तो अपडेशन नहीं होगा कुछ भी इसमें भी। सी हम देख लेते हैं, सी वही -2 ही है, तो कोई चेंज नहीं आने वाला। -2 प्लस 3 1, ये भी 1 है, -2 प्लस 2 0, ये भी 1 है, अपडेट कर चुके हैं हम पहले, तो कोई चेंज नहीं आया अभी भी। अब डी को देखते हैं हम दोबारा से, तो डी के साथ ये है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। 10 प्लस 1 11 बड़ा है 4 से, नो चेंज। अब हम ई को देख लेते हैं, ई के साथ कोई एज नहीं है, तो कोई चेंज नहीं आएगा।
तो अभी तक हमने देखा कि दो इटरेशन तक तो हमारा चेंज आया है, लेकिन थर्ड इटरेशन में हमारा कोई चेंज नहीं आया है, मीन्स इसके आगे भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब है कि हमें अपना शॉर्टेस्ट पाथ मिल चुका है, और उसका किस जरिए से वो जाता है, उसका पूरा पाथ क्या है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दोनों हमें मिल चुके हैं। तो हम देख लेते हैं इनका। ये तो हमारे वेट हो गए, मीन्स एस से अगर एस तक जाना है तो 0 डिस्टेंस लगेगा, एस से ए तक जाना है तो 0 डिस्टेंस लगेगा। अब 0 क्यों लगेगा? क्योंकि इस जरिए से हम जाएंगे, नेगेटिव वेट है, इस वजह से हमें 0 डिस्टेंस लगेगा। एस से बी तक जाना है तो 1 वेट, एस से सी तक जाना है तो -2, एस से डी तक जाना है 1 वेट, एस से ई तक जाना है 4। और इनका पाथ हम बना सकते हैं जैसे हमने पहले वाले उसमें बनाया था। तो ए से देख लेते हैं, ए का पेरेंट क्या है? सी, और सी का पेरेंट क्या है? एस। तो एस से ए तक जाने के लिए हमारे पास क्या वे रहेगा? एस सी एंड ए, एस सी एंड ए। ये हमें पहले भी पता था क्योंकि 0 यहाँ तक आ रहा है। तो बी का देख लेते हैं, इसी तरीके से बी का है ए, और ए का पूरा पाथ ये है, तो एज इट इज हम इसको फिल कर देते हैं। तो एस से बी तक जाने के लिए ये रास्ता हमें लगेगा, सी के लिए एस, सी के लिए एस डायरेक्ट दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। डी के लिए देखते हैं, सी, सी से एस, तो एस से डी तक जाने के लिए ये वाला रास्ता लगेगा हमारा, ई बी से जा रहा है, बी है इसका पेरेंट, और बी ए से जाता है, और ए सी से एंड सी एस से। तो ये पूरा वे हो गया ई के लिए, तो ये हमारा वे निकल गया। अब ये लास्ट वाला पॉइंट क्या था, ये हमें देखना है। ये लास्ट वाला पॉइंट हमें ये बताता है कि इसमें कोई नेगेटिव एज साइकिल है या नहीं है। तो अगर हमारा ये 5 बार चलाने के बाद दोबारा हम एक और इटरेशन चलाते हैं, ये सेम इटरेशन है जो हमने ये चेक करा है, सेम इटरेशन है, हम ये चेक कर रहे हैं कि यू का डिस्टेंस प्लस उस एच का वेट दोनों का प्लस करके अगर फिर से छोटा आता है डिस्टेंस ऑफ वी के, तो हमारा यहाँ पे साइकिल बनता है, नेगेटिव एज का साइकिल बनता है, और हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस अगर 5 इटरेशन के बाद भी यही सब ये चेंजेस आते हैं तो हम इसका शॉर्टेस्ट पाथ कभी नहीं निकाल सकेंगे। क्यों नहीं निकाल सकेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ये एज है और एक ये एज है। अब हम इसका मानते हैं 5 वेट है, इसका एक ये एज ऐसे जा रहा है, इसका 2 वेट है, ठीक है, और इसका एक ये एज ऐसे जा रहा है, इसका -3 वेट है। तो ये प्लस ये करेंगे तो हम अपडेट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7, ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब हम इसका दोबारा से चेक करेंगे इधर से, तो क्या आ जाएगा? 7 -3 4 आ जाएगा, तो 4 छोटा है इससे, तो हम इसको हटाकर यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब 4 + 2 6 आता है, जो छोटा है 7 से, तो हम इसको हटाकर 6 लिख देते हैं। 6 - 3 3 आता है, जो कि इससे छोटा है, तो हम इसको हटाकर 3 लिख देते हैं। इस तरीके से ये साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी। अगर ये कंप्लीट करने के बाद भी चेंज आ रहा है, मींस ये साइकिल बन रही है, क्योंकि 5 बार करने के बाद भी अगर चेंजेस आ रहे हैं और ये इन्फिनाइट चेंज चले जा रहा है चले जा रहा है, तो ये साइकिल बन गई है, और हम कभी इसमें कोई फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ है क्या नहीं है। अभी हम जाएंगे दोबारा से इसको 5 कर देंगे, इस फिर जाएंगे इसको 2 कर देंगे, फिर जाएंगे इसको फिर और कम कर देंगे, और ये कम होता चला जाएगा होता चला जाएगा, मीन्स हमारे पास साइकिल आ गई। तो ये पार्ट हमें बताता है कि हमारे पास साइकिल आ चुकी है, और अब हम कभी भी वेट शॉर्टेस्ट वेट या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते हैं कि कोई आंसर हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये लूप नहीं चलता है, इससे हम बाहर आ जाते हैं, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? ट्रू, कि हम
शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था बेलमन फोर्थ एल्गोरिथम का, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है डिसगैस्ट्रस एल्गोरिथम के। वर्क सारा हमने वही करा है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आई थिंक ये आपको अब समझ में आ गया होगा। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।